यूनिट 6 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 6.4 हम कर रहे हैं. फैक्टराइज दिस क्वेश्चन, इसको हमने फैक्टराइज करना है. इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स होंगी और 2 टर्म्स इस तरह की होगी कि वो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा, किसी ना किसी का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा. और 3 टर्म्स का मैं लिखूंगा, हमने स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है. हमें पता है कि जो हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर का, ए प्लस बी स्क्वायर, जब हम इसे ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ रही होती हैं. उसमें देखें 2 टर्म जो हैं वो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होता है और तीसरी टर्म ab 2ab लिखी होती है. तो हमने यही फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट करना है. देखें इसमें 2 टर्म इस तरह की हैं कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहा है, 4a स्क्वायर, ये किसका बन रहा है 2a का स्क्वायर. देखें 2 2s आर 4 और a की पावर 2 a स्क्वायर. इसी तरह ये 900 है, ये 30 का स्क्वायर होता है. अगर हम 30 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 × 30 900 आंसर आएगा. फिर आपने जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे नहीं देखना, हम इसको देख रहे हैं. ये 2 टर्म्स आपने लिखी हैं, देखें ये वाली वैल्यू आपके पास a है और ये वाली वैल्यू आपके पास b है, a स्क्वायर बी स्क्वायर. फार्मूले में देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हमने क्या लिखा था प्लस 2. फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 आप खुद से ऐड करेंगे और ए बी मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2, अगर माइनस है तो माइनस 2, तो 2 लिखा. और इस क्वेश्चन में देखें ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये 2a, और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये 30. फिर जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या ये सेंटर वाली टर्म बन रही है. देखिए 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आर 60, 62 आर 120 a, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है. तो ये स्क्वायर किसका कंप्लीट होगा, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे 2a और यहाँ से 30, और साइन कौन सा लगाएंगे जो 2 के साथ होता है, प्लस. ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 10 है. देखें इसमें भी 2 टर्म इस तरह की है कि स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है. ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर का स्क्वायर 169 बन रहा है, 30 का स्क्वायर. अब देखें यहां पे माइनस है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस 2ab, माइनस वाला फार्मूला लग रहा है यहां पे, तो हम माइनस 2 लिखेंगे अपनी तरफ से. ऊपर हमने क्वेश्चन को नहीं देखना, हम इस इन 2 टर्म्स को देखेंगे. 2 a की जगह पे हम यूज करेंगे a स्क्वायर और b की जगह पे हम लगाएंगे 30. फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या ये ऊपर वाली वैल्यू बन रही है, 32 आर 26 a स्क्वायर. इसका मतलब है कि ये ठीक है क्वेश्चन. तो a स्क्वायर साइन कौन सा लगेगा जो 2 के साथ है, माइनस 30 होल स्क्वायर. देखें अब आपके पास एक क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन 2 टर्म्स इस तरह की है कि स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है. देखें कैसे, 9/16, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 और 16 किसका होता है 4, 3/4x इसका स्क्वायर, क्लियर है. अब देखें 2/3y का स्क्वायर, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4/9y स्क्वायर. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें प्लस है तो इसका मतलब ये प्लस वाला फार्मूला है, प्लस 2 लगाएंगे और यहाँ से a क्या है हमारे पास 3/4x और b क्या है 2/3y. अब देखें ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4 और 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा. आपने कैंसिल नहीं करना, सिर्फ आपने देखना है कि इस क्या ये जो सेंटर वाली टर्म लिखी हुई है क्या इसको सॉल्व करके ऊपर वाली वैल्यू बन रही है, तो बन रही है. 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 के साथ नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स वाई, तो ठीक है. ऊपर भी एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है 3/4x प्लस 2/3y होल स्क्वायर.